हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं? खुश हो, जोर हो? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे, भाई को भी दुआ में याद रखे होंगे। तो सर, ये 10 एम्पीयर का चार्जर आया है मेरे पास रिपेयर होने के लिए। इसमें जो फॉल्ट शो हो रहा है और दोस्तों से शेयर करता चलूँ तो सर, इसमें सबसे पहले ये मेरे पास एक दोस्त मिस्त्री लेके आया था, तो इसमें फुल डेट था उसके पास आया था। इसका मिक्सर भी ख़राब था, ये आईसी भी ख़राब थी और ये फिल्टर भी फटा हुआ था। ये वाला ये तीनों चीज़ें इसने लगा के ओके कर लिया। ओके करने के बाद दोस्तों इसमें गोल्ड बन रहे हैं 6-7। ठीक है, आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 7-7.5 गोल्ड बन रहे हैं। ये छोटा सा मसला है दोस्तों, ऐसा कोई आपके पास फॉल्ट आ जाए तो आप इजी तरीके से इसे सोल्व कर सको। छोटी सी वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि ऐसे फॉल्ट में, जैसे ये दोस्त फंसा है इस फॉल्ट में, आप कोई भाई फंस ना जाए। तो इस वजह से मैं ये छोटी एक वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें ये वोल्ट देखो, ऑलरेडी इसकी बत्ती वगैरह बिल्कुल वर्क नहीं कर रही, बिल्कुल डेड है। इसके वोल्ट बन, ठीक है दोस्तों, इसके वोल्ट बन रहे हैं बिल्कुल कम। तो इसमें ये वाला वेरिएबल लगा हुआ है, ये वाला वेरिएबल 105 नंबर का लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरिएबल अमूमन काम छोड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इस वेरिएबल की वजह से ये ज़्यादा वोल्ट नहीं बनाता जो उसको चाहिए। तो अपन करेंगे क्या दोस्तों, इसमें दो पॉइंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये दो पॉइंट लगी हुई हैं, ये पॉइंट खाली पड़ी है। अगर आपके पास ऑलरेडी वेरिएबल है तो चेंज कर दो, अगर नहीं है तो ये पॉइंट आपको उसमें टच करने से भी आपका जो मसला आ रहा है वो हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैं टच कर रहा हूँ पॉइंट आपस में, तो इसकी बत्ती वर्क कर रही है। ठीक है, तो अपन अभी करेंगे क्या। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास अगर वेरिएबल पड़ा हुआ है तो आप चेंज कर दो, अगर नहीं है तो आप इसको ये यहाँ से पॉइंट आपस में टच भी कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी टच कर रहा हूँ, मेरे पास अवेलेबल फिलहाल वेरिएबल नहीं है। तो अभी क्या होगा, इस पॉइंट में जो इसमें, ठीक है दोस्तों, इसकी ये वाली पॉइंट में जो कार्बन बने होते हैं, कार्बन से इसका वेरिएबल बना होता है। ये कार्बन ख़राब हो गया, यहाँ से पॉइंट काम छोड़ गई है। तो अभी ये साइड वाली वेरिएबल सही काम करेगा, अप डाउन भी होंगे वोल्ट, और जहाँ पे अपन सेटिंग इसकी एडजस्ट करें वहाँ पे कर सकते हैं। अभी ये लगाता हूँ सप्लाई, पहले इसको देखो वोल्ट कम बना रहा था, बत्तियाँ वर्क नहीं कर रही थी। अभी आप दोस्तों को वोल्ट चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 13-13.5 वोल्ट आ गए। तो अभी अपना चार्जर हो गया रेडी, तो अभी लगाते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहले इसमें चार्ज पे भी नहीं जा रहा था, बत्तियाँ वर्क नहीं कर रही थी, तो अभी चार्ज वाली भी बत्ती भी आ गई है इसकी। ठीक है, उसके अलावा इसके एम्पियर भी आ गए और इसका फैन भी वर्क कर रहा है। ओके, तो ये परफेक्ट हो गया। ओके, छोटे बड़े फॉल्ट आप दोस्तों इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें ताकि ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिले, और साथ साथ लाइक भी किया करो ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, हम अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना।